भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवते नैष्ठिकी। कौन सा श्लोक है? 2.5.19 स्कंदो अध्याय 5 श्लोक संख्या 19। कार्य कारण कर्तृत्वे कार्य द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणः। कार्यकारण कर्तृत्वे कारण कर्तृत्व द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयः द्रव्यज्ञान क्रियाश्रय बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं वदन्ते नित्यानुक्तम् मायिनं पुरुषं गुणः। मायनम् पुष्पगुणम् कार्य कारण कर्तृत्वे कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया ज्ञान क्रियाश्रय बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं वदन्ते नित्यदा मुक्तम् मायिनं पुरुषं गुणः। मायनम् पुरुषं गुणम् शब्दार्थ कार्य प्रभाव अथवा फल, अथवा फल कारण 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 कर्तृत्व कार्यों में द्रव्य कारण पदार्थ ज्ञान ज्ञान क्रियाश्रया ऐसे लक्षणों से प्रकट बधनंती बद्ध करते हैं नित्यदा नित्य मुक्तम दिव्य मायिनम भौतिक शक्ति से प्रभावित प्रभावित पुरुषम जीव को गुणा गुना भौतिक गुण। अनुवाद भौतिक प्रकृति के ये तीनों गुण आगे आगे चलकर चलकर पदार्थ ज्ञान तथा तथा क्रियाओं के रूप में क्रिया प्रकट होकर सनातन रूप से दिव्य जीव को को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत के अंतर्गत डाल देते हैं और ऐसे कार्यों के लिए और ऐसे कार्य के लिए उसे उत्तरदायी उत्तरदायी बना देते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोमिष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुता मदगमलम श्री गुरुन् वैष्णवांशरूपम सागर जातम सहगना रघुनाथान्वितम तम सजीवम सद्वैतम सावधूतम सरित्परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण वदान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकाकांक्ष राधाकांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरंगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीमशालि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। कृपा करके गुरु वैष्णव की दया से प्रभुपा जी हमें जो समझा रहे हैं हम सभी समझने की चेष्टा करें। सभी का हार्दिक अभिनंदन है स्वागत है।
माला पूरी फैला करके डाली जिससे पता चले कि 3 मालाएं पहनी है प्रभु ने। लेकिन मैं तो इन मालाओं को देख ही नहीं पा रहा हूँ। लोग भक्त लोग मेरे को भी तो भक्तों के ऊपर दिखाई देगा ना। आओ इधर आओ, आजा। भक्त लोग सामने बैठेंगे मालाओं को पहन करके, तो कितने सुंदर दिखेंगे। दिनेश प्रभु जो 1 महीने की छुट्टी लेकर के गए थे, देखे। वापस आए हमारे। प्राय आदमी 1 महीने की छुट्टी लेके जाता तो वापस पहुंचता ही नहीं है, वो वापस आ गए। एक उपलक्ष्य में उनको ये भगवान का आशीर्वाद दिया जा रहा है। जय हमारे सोन मोहन प्रभु यात्रा लेकर के जा रहे हैं, इसलिए ये आशीर्वाद उनके लिए भी है। और मेरे पास भी 2-4 गुलाब के फूल हैं सिर पर रखे हुए, चिंता की बात नहीं है, आशीर्वाद बना हुआ है। धन्यवाद आपका। रूपा जी तात्पर्य में क्या समझा रहे हैं, हम पढ़ते हैं। चूंकि नित्य दिव्य जीव अंतरंग तथा बहिरंग शक्तियों के मध्य में स्थित है, अतएव वे भगवान की तटस्था शक्ति कहलाते हैं। वास्तव में जीव भौतिक शक्ति द्वारा इस प्रकार बद्ध होने के लिए नहीं है, लेकिन भौतिक शक्ति पर प्रभुता जताने के मिथ्या भाव के कारण वे ऐसी शक्ति के वशीभूत हो जाते हैं और इस तरह तीनों गुणों द्वारा बंध जाते हैं। देखो, ये सबसे बड़ी बीमारी है जो कि हम प्रायः इस संसार में समझ नहीं पाते, और भक्ति मार्ग में भी आने के पश्चात बहुत ही कठिन है कि हम इस बीमारी से दूर हो जाए। लेकिन भक्ति मार्ग इतना अच्छा है कि प्रयास भक्त लोग करते हैं कि बातों से ये बीमारी दूर हो जाए, लेकिन बीमारी नहीं दूर होती। जैसे दवाइयों से, गोली से बीमारी दूर नहीं होती, तो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, फिर इंजेक्शन से भी बुखार नहीं उतरता या कोई बीमारी दूर नहीं होती, उसको ऑपरेट किया जाता है। जैसे कई बार फोड़ा हो जाता है शरीर में, तो शरीर में बुखार ला देता है, पता चलता है अरे यहाँ ये फोड़ा हो गया ना, इसकी वजह से बुखार आ रहा है। फिर वो फोड़े को काट पीट करके बाहर निकाल दिया जाए तो बुखार बंद हो जाता है। तो ऑपरेशन जब हो जाता है तो बीमारी का कारण जब निकल जाता है तो बीमारी भी ठीक हो जाती है। तो बुद्धिमानी इसमें है कि जब हम जैसे तैसे करके इस भक्ति मार्ग में आ जाते हैं, ये गुरु वैष्णवों की दया होती है। कई बार प्यार से समझाते हैं, नहीं समझता व्यक्ति तो फिर डांट फटकार लगाते हैं, फिर भी नहीं समझता तो फिर ऑपरेशन कर देते, अर्थात फिर लात घूंसे, थप्पड़ चलाते, डंडे चलाते, ऑपरेशन हो जाता है। कुल मिलाकर के उसकी बीमारी को ठीक करने का पूरा प्रयास करते। हमारे जीवन का उद्देश्य ही होना चाहिए कि हम इस बीमारी को ठीक कैसे करें। क्या बीमारी है? एकमात्र बीमारी है वो है, सभी हम सभी के अंदर है, पता नहीं आपके अंदर कितनी मात्रा में, मेरे अंदर तो काफी है, प्रभुत्व जताने की बीमारी, लीडर बनने की बीमारी, स्वामी बनने की बीमारी। और जैसे ही हम स्वामी बन जाते हैं, वैसे ही हमें भोग याद आ जाते हैं। कैसे पता चले कि कौन व्यक्ति स्वामीपन को प्राप्त हो गया है? स्वामी बनने का अर्थ है भोक्ता बनना, भोक्ता बनने का अर्थ है भोगों को भोगना। बड़ी सीधी और सरल बात है। कोई कहे, सन्यासी लोगों को भी स्वामी कहा जाता है,
हाँ कहा तो जाता है स्वामी, लेकिन वो स्वामी का अर्थ वो अलग रूप से प्रकट करते और हम स्वामी का अलग रूप से अर्थ को प्रकट करते हैं। प्रकट करने का अर्थ क्या है? हमारे आचरण में स्वामित्व का प्रकटीकरण अलग अलग रूप से होता है। कैसे होता है? एक स्वामी जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, तो इंद्रियों को जीतने के कारण इंद्रियां अब उसके कहने के अनुसार जीवन यापन करती हैं, इसलिए वो इंद्रियों का स्वामी कहलाने के कारण अब वो गो स्वामी बन गया है, इसलिए उसको संन्यास के पश्चात स्वामी नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? स्वामी नाम दिया। जैसे प्रभुपाद जी को वैष्णव लोग या शुरुआत में पाश्चात्य जगत के सभी लोग जो जुड़े थे सब स्वामी जी कहते थे, बाद में फिर प्रभुपाद नाम पड़ा। इसका भी अर्थ है जो प्रभु के पद पर है उसे प्रभुपाद कहते हैं। दूसरा अर्थ ये भी है कि जो प्रभु के चरणों में है, प्रभु के पदों में है, इसलिए भी उन्हें प्रभुपाद कहा जाता है। तो स्वामी का अर्थ यहाँ पर क्या लेना चाहिए? जो इंद्रियों के स्वामी। स्वामी का अर्थ ये नहीं कि इस पत्नी के स्वामी हैं और कई सारी माताओं के स्वामी बन गए, इसका अर्थ ये नहीं। हर माता स्वामी जी कह रही है इसका मतलब ये नहीं कि हर माता के पति बन गए वो, नहीं, पत्नी भी पति को स्वामी जी कहती है, लेकिन वो अलग बात है। स्वामी का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी बन जाना। तो भक्ति मार्ग में जो स्वामी शब्द है उसका अर्थ अलग है। इंद्रियों का स्वामी बन गए तो फिर प्रकट क्या करेंगे? वो स्वामित्व को प्रकट कैसे करेंगे? बोले इंद्रियों को खुली छूट नहीं। और संसार में जो स्वामीपना है ये स्वामीपना कैसा है? बोले जितने भी इंद्रियों के विषय हैं इन सब का स्वामी मैं हूं। हम इंद्रियों के स्वामी न बन करके सारा संसार इंद्रियों के विषयों का स्वामी बनना चाहता है, इसको प्रभुता कहते हैं, प्रभुत्व तो कहते हैं। वास्तव में स्वामी बनना चाहिए तो इंद्रियों का बनना चाहिए, प्रभुत्व ही जब जताना है तो आप इस दिशा में जताओ। लेकिन प्रभुता हम जताते हैं किधर? विषयों के ऊपर। हर इंद्रिय के विषय का स्वामी हम बनना चाहते हैं। जैसे मोबाइल है जिसमें अलग अलग चीजें हम देखते रहते हैं, तो हम सोचते हैं ये मोबाइल का स्वामी मैं ही रहना चाहिए, इस विषय को मैं ही देख सकता हूँ, इस मोबाइल को मैं ही हैंडल कर सकता हूँ, किसी दूसरे को हाथ नहीं लगाने दूंगा। गाड़ी के स्वामी बन गए साहब, बोले इस गाड़ी को मैं ही हैंडल करूंगा, ये गाड़ी का ऑपरेटर मैं ही रहूंगा, इसका भोक्ता मैं ही। कोई व्यक्ति को डब्बा दिया मिठाई का, बोले अरे ये मिठाई का स्वामी, डब्बे का स्वामी मैं ही हूं। किसी को पिस्ता का पैकेट दे दिया, अरे ये पिस्ता का पैकेट तो मेरे लिए ही है, इसका स्वामी तो मैं हूं। दूसरे व्यक्ति को चार दाने भी कैसे दे दूं? ऐसे हर चीज का स्वामी व्यक्ति अपने आप को सोचता है, सोचता है अच्छा ये स्त्री का स्वामी तो मैं हूं, ये दूसरे से कैसे बात कर रही है, या दूसरे की हिम्मत क्या हो गई जो इससे बात कर रहा है। ये जो स्वामी पना है ना, ये जो भोक्तापन को दर्शाता है, और फिर व्यक्ति प्रायः प्रकट करता है इस बात को, तथ्य को। कैसे प्रकट करता है? भोग भोग करके। कैसे प्रकट करता है? भोग करके। जब रात दिन दिमाग में भोग घूमते रहते हैं तो समझ लो वो प्रभुता की बीमारी से ग्रसित है। दो इंद्रियों में आदमी ज्यादा फंसा रहता है भोग, एक तो रसन इंद्री और एक जनन इंद्री। एक तो रसन इंद्री जो जीभ है जिससे हम भोजन छाजन आदि षड रस का आस्वादन करते हैं, छह प्रकार के रसों का आस्वादन करते हैं। नमकीन खाते हैं, मीठा खाते हैं, तीखा
तीखा खाते हैं, कड़वा खाते हैं, कसैला खाते हैं, और कौन सा रस रह गया? चरपरा। खट्टा मीठा, खट्टा नमकीन तिक्त और तीखा हो गया उसमें, और चरपरा और कसैला ठीक तीखा नहीं होता। है। तीखा तो जली है, उसका भी अपना स्वाद। षड रस होते हैं, छह प्रकार के रसों के पीछे जीभ कितनी भागती है, और इन छह रसों से मिक्सिंग कर करके कितने वैरायटी बन जाती है। और रात दिन दिमाग में यही घूमता है कि आज क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, रास्ते में जा रहे हैं तो क्या भूख लगी तो उस समय क्या खाएंगे। कोई क्षण ऐसा बीतता होगा जिस समय दिमाग में, पता नहीं आपका तो कैसे इतना ध्यान नहीं जाता होगा, मेरे दिमाग में तो रात दिन यही चलता रहता है कि यार ये वाली मिठाई खा रहा है और मैं शुगर वाला व्यक्ति, मैं कौन सी मिठाई खा सकता ठीक हूँ। रात दिन दिमाग में केवल खाना खाना खाना, और केवल यहाँ बैठे हुए लोगों की बात नहीं हो रही है, सारे संसार की यही दशा है। ऑनलाइन में सुनने वाले लोगों की हो सकता है ऐसी दशा ना हो, लेकिन कोई बिरला ही ऐसा होता है जो रंती देव महाराज की तरह ऐसा संयमी हो, जिनको कि 49 दिन तक ऐसा संयम, ऐसा संयम। अकाल पड़ा था, अकाल जब पड़ता है तो पानी भी नहीं होता, उनको 49 दिन बाद परिवारी जनों के साथ अकेले नहीं थे, भोजन भी मिला और पानी भी मिला, लेकिन उनकी इंद्रिय आसक्ति नहीं थी। वो इंद्रियों के दास नहीं थे। जहां आसक्ति हो जाती है वो चीज हमें दास बना लेती है। पत्नी से आसक्ति है तो पत्नी अपनी बात मनवा लेगी, बच्चे से आसक्ति है तो बच्चे जबरदस्ती करके अपनी बात मनवा लेंगे। आसक्ति सामने वाले व्यक्ति को गुलाम बना देती, इसलिए उनकी आसक्ति नहीं थी। अब ये ऐसा जीवन आना 49 दिनों तक, कोई चीज 49 दिन बाद मिले और फिर भी इतना बड़ा संयम, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है? ऐसी बात नहीं हो सकता, केवल अभ्यास ऐसे हो सकता है, केवल अभ्यास। अभ्यास में भी कई बार कई जन्म लग जाते हैं, और अगर अच्छे अभ्यास करने वाले लोगों की संगति मिल जाए तो बहुत जल्दी हो जाता है। जन्मों का कार्य कुछ महीनों में ही खत्म हो जाता है। तो रात दिन जो समस्या है हमारे जीवन में, उनका अभ्यास ऐसा था, पूरे परिवार के साथ ऐसा अभ्यास था। खीर मिली और एक चंडाल आ गया कुत्तों को पालन करने के, अरे मैं भूखा हूं, ले ले भैया तू खा ले, कैसी दया। भक्ति जब आ जाती है तो ऐसी स्थिति दुखी होकर के नहीं, प्रसन्न होकर के बन जाती, ये नहीं अरे ये आफत और आ गई अब इसको और देना पड़ेगा, नहीं तो कल से समझेगा कि साधु नहीं है, साधु बना दिखाने के लिए इसको देना पड़ेगा, दुखी होकर के देना पड़ता अपने को, है कि नहीं? लेकिन उन्होंने दुखी होकर के नहीं दिया। कोई के ऐसे हम कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने दुखी होकर नहीं दिया, हम थोड़ी थे उनके पास। हुआ जब बाद में भगवान प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों रूप से भगवान प्रकट हुए, पानी भी दे दिया था उन्होंने, पानी भी नहीं पिया, अकाल पड़ा था, प्यासे थे, पानी प्राप्त हुआ एक लोटा वो भी दे दिया। देखो इंद्रिय संयम कितना जा रहा है, ऐसा हो कैसे सकता है? यही भक्ति की शक्ति है, यही आराधना की शक्ति है। कैसे हुआ? इतने बड़े भक्त थे, इतने बड़े भक्त थे, इतना इंद्रिय संयम था, ऐसे सच्चे स्वामी थे इंद्रियों के,
कि उन्होंने कहा कि तुम वरदान मांग लो, नौवें स्कंद की ये घटना है, तुम वरदान मांग लो। तो वरदान में क्या मांगते हैं? बोले सारे संसार के जितने जीव हैं, सारे संसार के जितने जीव हैं उन सबके कष्ट मेरे को दे दो, बताओ। वो बेचारे जितने कष्ट से पीड़ित हैं सब मेरे को दे। भगवान के दर्शन करने के पश्चात भगवान से वरदान में ये मांग रहे, ये दर्शाता है कि उन्होंने खीर दी थी तो दुखी होकर के नहीं दी थी। उनका वरदान का मांगा जाना ये दर्शा रहा है कि उनके हृदय में कितनी बड़ी प्रसन्नता। अरे भैया तू क्यों भूखा मर रहा है, ले तू खा ले। इसे करुणा शक्ति कहते हैं, कितनी करुणा शक्ति। फिर भगवान बोले भैया तुम्हारा एक ही शरीर है और इतने सारे लोगों के कष्ट तुम अकेले कैसे झेल सकते हो, दुनिया भर के लोगों के अपने इतने पाप कर्म होते तुम अकेले कैसे झेल। बोले आप एक काम करो, आप मेरे को सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सबके अंदर स्थापित कर दो, क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर है मन ही कष्ट भोगता है, शरीर तो जड़ है। थप्पड़ मारो तो, या घूंसा मारो, कुर्ते में मारा घूंसा, पेट में घूंसा मारा तो कुर्ता रोता है क्या? कुर्ता एकदम चीख पड़े कि अरे मेरे में घूंसा मारा तुमने, तुमने मेरे को उधेड़ दिया, ऐसा कुर्ता चिल्लाएगा क्या? नहीं, कुर्ता जड़ है ना, कुर्ते को एहसास नहीं होता, कुर्ता कष्ट नहीं पाता, कष्ट तो अंदर की वस्तु पाती। ऐसी ये शरीर हमारा जड़ कुर्ते की तरह है जो हमने पहन रखा है, अंदर सूक्ष्म शरीर हमारा कष्ट पाता है, मन बुद्धि से हम लोग कष्ट पाते हैं। बोले आप सबको अंदर मेरे को स्थापित कर दो, इसको कहते हैं जीवे दया, कितनी जीवों पर। कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, ये सभी धर्मों का सार है, इसे करुणा शक्ति कहते हैं। एक सच्चा स्वामी जिसने इंद्रियों को जीत लिया, ऐसी दया वही कर सकता है, और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। और करुणा शक्ति ऐसी उनके अंदर है कि भगवान के दर्शन से पहले ना उनको भूख सता रही है ना उनको प्यास सता रही है। ये भक्ति की शक्ति जो ऐसा अभ्यास करने से आ जाती है। भक्ति अगर ईमानदारी से हम करते हैं तो धीरे 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 हमारी ये वासना की प्रवृत्ति, भोग की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। विशेष रूप से सारा संसार जो दो चीजों में फंसा हुआ है, एक तो रसन इंद्री जिसमें कि रात दिन खाने का सोचता है, और एक जनन इंद्री, पुरुष रात दिन स्त्री का सोचता है या स्त्री सोचते, सारी योनियों में यही हाल है। और ये दो इंद्रियां अगर संयमित हो जाएं, जिसमें रसन इंद्री अगर विशेष रूप से संयमित हो जाए तो जनन इंद्री भी संयमित हो सकती, जिसको कि केवल प्रसाद खिलाया जाए। क्या खिलाया जाए? प्रसाद खिलाया। लेकिन प्रसाद में भी क्या होता है ना, भोग लगा करके कहाँ खा पाते फिर, ऐसा लगता हूं तो भक्त बन गया, भगवान को भोग लगाने की जरूरत नहीं है। अब तो कार्टून में से एक सेब खा लिया हमने, बाकी सेब तो ऐसे ही काट काट के खा लेते, लग गया ना भोग सारा कार्टून का। और कई बार इतना फास्ट भोग लग जाता है भगवान को, खाली ऐसे ही दिखाते कटोरी और फिर तुरंत वापस, हो गया ना प्रभु। और खाने वाला भी सोच रहा है इतना देर इसने नहीं लगाया, मेरी क्या गलती है, इसने ऐसे शॉर्टकट मार दिया, मैं होता तो भोग लगा के खाता, अच्छी तरह से भोग लगाता। वो अंदर हृदय इतना कपट से भरा पड़ा है ना, फिर वो महाप्रसाद कैसे बनेगा, वो प्रसाद बनता ही नहीं। इसलिए केवल भोग लगा के खाया जाए और अच्छी तरह से नाम जपा जाए,
इसी से हमारी प्रभुता चली जाए। इसलिए ये सबसे बड़ी बीमारी है, लेकिन भगवान की शरण में आना चाहिए। सारा संसार ये बीमारी बढ़ा रहा है, घटा कोई नहीं रहा है, सारा संसार बढ़ा रहा है। इसलिए भक्ति मार्ग किसी को अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अब कोई व्यक्ति मेरे को अभ्यास पड़ा हुआ है मीठा खाने का, बीमारी मेरे को शुगर की हो गई है, कोई मीठा देता है तो मेरे को अच्छा लगता है जीवा पर खाने में, कोई रोकता है तो बुरा लगता है। इसलिए बीमारी बढ़ाने में अच्छा लग रहा है और बीमारी घटाने में अच्छा, बाद में अच्छा लगता है। जब कोई मीठा नहीं दे और जिस दिन खाने के लिए नहीं मिले, बाद में अच्छा लगता है, अच्छा है आज ठीक लग रहा है। इसलिए भक्ति करने के बाद में तो सबको अच्छा लगता है। आज मंगल आरती हो गई भाई, बहुत बढ़िया हो गया। आज जप हो गया भाई, बहुत बढ़िया हो गया। आज भागवत पढ़ लिया भाई, बहुत बढ़िया हो गया। सबको अच्छा लगता है बाद। लेकिन जब कोई मंगल आरती में उठाता है ना, नींद को रोकता है, नींद को रोकने वाला व्यक्ति, ऐसा लगता है कि इसका शरीर फोड़ दे सकता, कल के लिए पैदा ही न रहे, जिंदा ही न रहे, तो उसमें नहीं। और संसारी लोग, सो जा बेटा, सो जा, बहुत अच्छे लगते हैं माँ, बहुत अच्छे लगते हैं बाप, बहुत। बीमारी बढ़ाने वाला सारा संसार बहुत अच्छा लगता है। यहाँ छूट मिलती है लोगों को, बहुत अच्छे लगते, और जहां जहां बीमारी घटाई जाती है वो अच्छा नहीं फील करता। बाद तक हम सोच ही नहीं पाते कि बाद में कैसा लगेगा। यही तो हम लोगों की सबसे बड़ी बीमारी है। आदमी सोच, बाद का जब देख होगा तब देखा जाएगा, ना टेंशन लेने की क्या, बाद की बाद में। और उसको पता नहीं कि बाद की बाद में फिर क्या दुर्गति होती। इसलिए प्रभुपाद जी इस बात को समझा रहे हैं कि ये संघर्ष भरा रास्ता है। कई बार भक्त लोग कहते, पहले संसार बहुत अच्छा लगता था प्रभु जी, अब भक्ति में। एक भक्त मेरे को मैसेज करता है, अब भक्ति करना बहुत अच्छा लगता है, अब सब एम्बिशन वगैरह ये सब चीजें इतनी अच्छी नहीं लगती। कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता, ये बेचारा कहाँ फंसा हुआ, लेकिन उसको उसमें बहुत मजा आ रहा होता है प्रभु जी। अब लेकिन मेरे साथ ऐसा हो गया कि ना तो मैं पूरी तरह से भक्ति कर पा रहा हूँ, ना ही मैं भौतिक जीवन जी पा रहा हूँ, बोले। ऐसा लगता है धोबी का कुत्ता बन गया हूं मैं, ना घर का ना घाट का। ये बहुत धर्म संकट वाली स्थिति हो गई। ऐसा लगता है मैं घर वालों पे भी बोझ हूँ, ना पढ़ाई हो रही है, ना नौकरी हो रही है, सब एम्बिशन पे पानी भर गया है। जब से गीता भागवती सब चक्कर में आ गए। और इधर बोले ना घर वाले ही छूट रहे हैं, क्योंकि इधर मंगल आरती में लोग उठाते हैं, आश्रम में भी जाना मुश्किल हो गया पूरी तरह से। ये जीवन भी बहुत कष्ट का है, पता नहीं मंदिर में रखेंगे नहीं रखेंगे, 4 दिन बाद निकालना दे कहीं, कुछ भी हो सकता है ऐसी स्थिति। वो घर वालों से भी, माँ को कैसे छोड़ सकते हैं, बाप को कैसे छोड़ सकते हैं, मंदिर में भी आएंगे तो ऐसा लगता है कि इतनी भी भक्ति नहीं हो सकती कि भीख मांग करके जीवन निर्वाह कर लें, या दौड़ दौड़ करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लें, या ऐसा कुछ कर लें, ऐसा भी नहीं लगता। ऐसा लगता है मैं मंदिर जाऊंगा तो मंदिर वालों पर बोझ हूं, और घर पे रह रहा हूं तो ना यहाँ काम धंधा मेरे से हो रहा है, ना नौकरी चाकरी हो रही है, ना एग्जाम पास हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं घर वालों पर भी बोझ हूँ, मैं तो दोनों तरफ बोझ बन गया हूँ। इसी स्थिति में क्या करना चाहिए? मतलब थोड़ी और ताकत लगा देनी चाहिए, और ताकत निकाल लगा करके, थोड़ी ताकत लगा करके तो घर से इतना निकले बाहर आए, और ऐसा समझे कि चलो मंदिर में रहें या घर में रहें, तो ताकत लगा के बीच में तो पहुंच गए। अब ऐसा लग रहा है कि मंदिर जाएंगे तो मंदिर पे बोझ बनेंगे, घर पे जाएंगे तो घर पे बोझ बनेंगे। कहाँ जाऊं? मतलब कहीं नहीं, मंदिर में ही जाना है। थोड़ी सी और ताकत लगा देनी, अभ्यास करने की थोड़ी ताकत को और लगा करके मंदिर में चले जाना है, फिर मंदिर वाले बोझ को
काम का बना लेते हैं, वो बोझ नहीं रहने देंगे। अगर अच्छे भक्तों का सानिध्य तो मिल जाए वो हमें अच्छा बना देंगे, क्योंकि वहां मीठी दवाई दी जाएगी होम्योपैथी की, नहीं असर करेगी आयुर्वेद की दवाई दी जाएगी, काढ़ा फाड़ा पिलाया जाएगा, नहीं असर करेगी एलोपैथी की दवाई दी जाएगी, फिर भी नहीं असर होगा इंजेक्शन मारा जाएगा, टोंट मारे जाएंगे, इंजेक्शन से कम थोड़ी होते हैं, फिर भी असर नहीं होगा, भरी सभा में बेइज्जती कर दी जाएगी, ऑपरेशन कर दिया जाएगा, धीरे धीरे कुल मिला के कल्याण हो ही जाएगा, टेंशन के कई बार जन्म लग जाएंगे ऐसा होते है। जैसे गुरु महाराज मेरे को सपने में कहते, मैं इसका 8 जन्मों से गुरु बना रहा हूं और ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा, 8 जन्मों से बताओ विचार करो कितने ऑपरेशन किए होंगे महाराज ने, लेकिन कुछ ढीठ होते मेरे जैसे लोग, आप जैसे तो सभी लोग बहुत कम ही पाए जाते हैं, जैसे ब्रजमंडली माता जी बहुत दुर्लभ होते हैं, सभी लोग जो संसार में अपने कल्याण का, जीवों के कल्याण का सोच पाते, जीवे दया कृष्ण नाम, जैसे हमारे उत्तम मोहन प्रभु हैं, आदित्य वामन प्रभु हैं, सब दुर्लभ होते भक्त लोग जो जीवों का सब जगह रहते हुए विचरण करते हुए सोचते, कंपनी में भी काम करते हुए बोले कंपनी का भी उद्धार करना है मेरे को, इसलिए कंपनी छोड़ नहीं सकता प्रभु जी, ठीक है भैया, जैसे प्रियंका माता जी, ये सब भक्त लोग अच्छे हैं, आप सब लोग तो सुधरे हुए हैं, मेरे को भी इस बद्धता से बाहर निकालो आप सभी, और कुछ भक्त लोग मेरे को आंखें दिखाते हैं एकदम लाल होकर के आंखें दिखाते, बोले सुधर जाओ प्रभु जी, मैसेज में ऐसा आंखें दिखा देते तो मैं फिर प्रयास करता हूँ। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए, हम सबको इस रास्ते पर आगे बढ़ना है और अच्छी भक्ति करना है, बस बीमारी को दूर करना है, बीमारी में बढ़ाने में तो अच्छा लग रहा है, हमारी बेवकूफी है, इतना ही समझ में आ जाए तो फिर बेड़ा पार हो। श्रील प्रभुपाद की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अभी हम लोग जप करेंगे थोड़ा 7:30 बजे तक। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया।